बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेजरिंग ऑफ वेदर कंडीशंस एंड टेम्परेचर। पेंटिंग और कोटेड से रिलेटेड अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही अहम जो है ये एक इंस्पेक्शन है या सर्वेलेंस है या एक एक्टिविटी कह लें जो हम परफॉर्म करते हैं वो टेम्परेचर चेकिंग की है। सारे का सारा पेंट की क्यूरिंग, पेंट की एप्लीकेशन, पेंट की मिक्सिंग, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं टेम्परेचर के ऊपर। इवन कि जो पेंट हम स्टोर करते हैं कंटेनर्स के अंदर, जो पेंट है उसकी जो साउंडनेस है वो भी डिपेंड करती है कि हम उसको किस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर कर रहे हैं। बाद में वो पेंट हमें कैसा कलर दे रहा है, कैसी अपीयरेंस दे रहा है, ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर हमने उसके टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखा, उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आएंगी उस पेंट के अंदर या जो भी ड्रॉबैक्स उसमें आएंगे वो अफेक्ट करेंगे एप्लीकेशन के बाद। मे बी के बजाय हमें वो चीज नजर ना हो कि दिन के वक्त ऐसा होता है कि कंटेनर्स का जो एसी वगैरह है वो बराबर चल रहे हैं, नाइट टाइम वो नई चीज नहीं चल रही है और वो टेम्परेचर जो हमें रिकमेंड किया गया हमारी डेटा शीट के अंदर वो हम बराबर नहीं कर पा रहे, उतना पूरा नहीं हो रहा, फुलफिल नहीं हो रहा। एप्लीकेशन के बाद हमें टॉप कोट में कुछ डिस्कलरेशन अगर नजर आती है तो उसके पीछे जो चीज अफेक्ट कर रही है वो टेम्परेचर। उस टेम्परेचर ने उस पेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको उसने कुछ केमिकल अटैक किया है उसने। तो कहने का मतलब ये है कि पेंट के अंदर, कोटिंग के अंदर टेम्परेचर जो है वो एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है, चाहे वो पेंट के स्टोरेज से रिलेटेड हो, चाहे वो पेंट मिक्सिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पेंट एप्लीकेशन से हो या क्यूरिंग से हो या ड्राइंग से हो। इन सब चीजों में जो है वो टेम्परेचर एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो आज हम ये चीजें चेक करेंगे कि टेम्परेचर हम कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस के लिए हम यूज करते हैं और क्या कैसे हम इसको मॉनिटर करेंगे, ये चीजें हम आज के इस सेशन में देखेंगे। मैं हूँ राशिद गुलाब आपके साथ और उम्मीद है कि आप इस सेशन से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और दूसरा ये कि ये जो चैनल है राशिद गुलाब और पाक काविश का, इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है और इसको आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। टॉपिक्स हम कौन कौन से कवर करेंगे इसमें, वेदर कंडीशंस हम देखेंगे, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की डिवाइसेस कौन सी हम यूज करेंगे और ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर को हमने कैसे यूज करना है, ये हम इस सेशन में सीखेंगे। अब वेदर कंडीशंस की डेफिनेशंस में अगर हम सबसे पहले आ जाएं तो वो देखेंगे कि वो क्या चीजें हैं वेदर कंडीशंस की डेफिनेशंस में। तो पहली चीज जो हमें मिलती है वो बाज इंटरव्यू में भी हम लोग जब कहीं अपीयर होते हैं जाते हैं तो इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ये किया जाता है, व्हाट इज relative humidity, what is humidity? So the amount of water vapor in the air expressed as a percentage of the amount of water vapor which could be in the air at the same temperature. तो जो हवा में जो वाटर वेपर जो है वो उसकी जो अमाउंट मौजूद है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में 100 में तो आपके पास क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ड्यू पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर इन द एयर विल कंडेंस। जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, बुखारात वो बनना शुरू हो जाते हैं, ड्यू बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो टेम्परेचर है उसको क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। ये डेफिनेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लें। ये एक दो क्वेश्चंस जो है कहीं भी इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर एंड स्टील टेम्परेचर, इज द टेम्परेचर इंपॉर्टेंट? यस, स्टील टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है और जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी स्टील टेम्परेचर आप यूं समझ लें कि किसी भी बॉडी का जो कॉन्टेक्ट टेम्परेचर है,
जो स्टील की सरफेस का जो टेम्परेचर है, आपने पाइप को ब्लास्ट किया है, ब्लास्टिंग के बाद आप जब एक तो आप जो नॉर्मल आपका टेम्परेचर है वो आप चेक करेंगे, जब आप स्टील सरफेस उसकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट उसका टेम्परेचर जो है अगर ज्यादा है, स्टील टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, तो आपने पेंट अप्लाई कर दिया है तो इमिडिएटली वो जो उसके अंदर जितने भी सॉल्वेंट होंगे, जो थिनर आपने डाला है, वो इमिडिएटली अब ऑपरेट हो जाएगा और आपका पेंट जो है वो ब्रिटल हो जाएगा और उसमें क्रैकिंग आना शुरू हो जाएगी, उसकी क्यूरिंग इमिडिएटली हो जाएगी, फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें पेंटिंग के डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे अगर स्टील टेम्परेचर भी हमारा सही नहीं है, हमने ज्यादा अप्लाई कर दिया है। तो मेरे साइड की जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने 24 आवर्स भी डे एंड नाइट काम किया है पेंटिंग कोटिंग का। नाइट में हमें अलग सिचुएशंस हैंडल करना पड़ी, डे में हमें अलग सिचुएशंस जो है वो हैंडल करना पड़ी, तो कंस्ट्रक्शन चूंकि वो अपना काम जो है वो कंटिन्यूस रखना चाह रही होती है और उनका प्रोग्रेस उन्हें ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है, तो मोस्टली ये होता है कि आपका टेम्परेचर अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो तकरीबन 10 बजे के बाद जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर। जब स्टील टेम्परेचर आप मेजर करते हैं तो मोर देन 60 और 65, ये आपका स्टील टेम्परेचर इतना आना शुरू हो जाता है, और आपका एमियन जो टेम्परेचर है वो 44-45 डिग्री होता है उस वक्त। इस कंडीशन में आपने क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि जो क्यूसी इंस्पेक्टर्स होते हैं उन्होंने डिसीजन लेना होता है कि हम क्या डिसीजन लें, यस और नो, ये चीजें आपने बतानी है। एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपने उनको कैसे गाइड करना है, टूल बॉक्स मीटिंग में आपने उनको क्या बताना है, कंस्ट्रक्शन को आपने कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें जो है क्यूसी इंस्पेक्टर को डिसीजन लेना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे सिचुएशन को टैकल करना है। अब ऐसी कंडीशन में हम हमारी जो प्रोग्रेस है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, हम लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब टेम्परेचर की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है हम पे, तो CSD के पास भेजा गया कि भाई क्या हम जो सरफेस टेम्परेचर है अगर वो इतनी डिग्री तक हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो 60 डिग्री उन्होंने लिख के भेजा है कि अगर स्टील टेम्परेचर 60 डिग्री हो तो क्या हम पेंट अप्लाई कर सकते हैं 60 डिग्री। तो CSD का जो रिस्पांस हमें मिला है, उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट सरफेस कांटेक्ट के साथ 50 डिग्री से ऊपर सरफेस टेम्परेचर अगर आपका 50 डिग्री है तो आप यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं या एज पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशंस, और अगर आपका इंटरमीडिएट है या टॉप कोट एप्लीकेशन है तो वो आप 55 डिग्री तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सरफेस पे उन्होंने 50 से ऊपर नहीं जाने दिया, इसका क्या रीजन है कि प्राइमर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एडहेशन में, और पेंट आपका उस वक्त जब आप 50 डिग्री से ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर से सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा, एवोपरेट होगा, उसकी बर्नेस जो है उसकी बर्निंग जो है वो ठीक नहीं आएगी, जब बर्निंग उसकी ठीक नहीं आएगी तो नीचे ही जो हमारा पहली जो सरफेस ही है वो भी ठीक नहीं है, उसके ऊपर मैं इंटरमीडिएट अप्लाई करूं टॉप कोट अप्लाई करूं तो नीचे अगर बुनियाद ही उसकी ठीक नहीं है तो ऊपर तक मुझे कैसे कोई चीज साउंड मिल सकती है। तो ये इस वजह से हम ऐसी सिचुएशंस में मैन्युफैक्चरर को, CSD को, या जो हायर अथॉरिटीज होती हैं, जो लोग डिसीजन मेकर होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो हम उन्हें अप्रोच करते हैं, तो उनके पास हम लोग अपना केस शो ऑफ करते हैं और फिर हमें वो सोल्यूशन देते हैं। इसलिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है, चाहे वो स्टील टेम्परेचर हो या एम्बियंट टेम्परेचर हो। अभी एम्बियंट टेम्परेचर विल इन्फ्लुएंस शेल्फ लाइफ ऑफ द पेंट, पॉट लाइफ, इंडक्शन टाइम, लीड टाइम, स्टैंड बाय टाइम, ये सब एक ही चीज के नाम है, और उसकी विस्कासिटी और स्प्रेबिलिटी पे इफेक्ट करता है जो आम बाहर आपका नॉर्मल टेम्परेचर है। और स्टील टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, वो आपकी स्पीड ऑफ क्यूरिंग, डिग्री ऑफ क्यूरिंग और रीकोटिंग इंटरवल आपका, और अगर आप डेटा शीट पढ़ें तो डेटा शीट में लिखा होगा कि सपोज आज आपने प्राइमर मारा है तो आप इंटरमीडिएट कब मार सकते हैं, उसमें टाइम दिया होगा, अगर आपका 10 डिग्री टेम्परेचर है तो आप इतने घंटे बाद, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है तो आप इतने घंटे बाद, अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो आप इतने घंटे बाद पेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर की रेंज ज्यादा होती जाएगी,
जो इंटरवल टाइम है रीकोड का, या जो नेक्स्ट हम कोड अप्लाई कर रहे होते हैं वो क्या होगा, कम से कम होता जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा है, रीकोड इंटरवल कम होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, रीकोड इंटरवल बढ़ता जाएगा। तो ये सरफेस लाइफ ऑफ द कोटिंग, ये चीजें इफेक्ट करती हैं जी, एम्बियंट और स्टील टेम्परेचर जो है वो हमारी पेंटिंग के ऊपर। अभी हमारे पास है जी हाइग्रोमीटर, हम जो है वो क्या करेंगे, उसको कैसे चेक करेंगे, हमारी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। तो प्री यूज चेकलिस्ट हम हाइग्रोमीटर के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास स्लिंग जो है वो साइकोमीटर है, ये हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी या वेट बल्ब या ड्राई बल्ब जो है उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये क्यों हम यूज करते हैं, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, और मेजर द टेम्परेचर इन द विकिनिटी, इसका मतलब है कि इर्द गिर्द आस पास। कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूज टूगेदर विद ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर। अब इसके साथ जब भी वेट बल्ब और ड्राई बल्ब या ये स्लिंग साइकोमीटर आप जब यूज करेंगे, तो इसके साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अभी चेकलिस्ट हमारी होनी चाहिए इसको चेक करने के लिए, ये जो हमारा गेज है इसको चेकआउट करने के लिए आप क्या क्या चीजें चेक करेंगे। प्री यूज चेकलिस्ट है हमारे पास, डैश द हाइग्रोमीटर स्पिन फ्रीली, आया कि वो ये जो चीज है इसको यहाँ से इसको पकड़ते हैं और इसको यूं घुमाते हैं, ये जो ऊपर है ये ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह ये घूमता है ऊपर इसके फैंस की तरह, तो ये फ्रीली मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा, हमने ये चेक करना है इसको यूज करने से पहले। ठीक है, इट इज क्लियरली रीडेबल, उससे हमें रीडिंग पढ़नी आ रही है नहीं आ रही। इज देयर अ विक, उसका विक है या नहीं है, विक क्लीन है या नहीं है, विक वेट है या नहीं है। तो उसके अंदर हम जो है वो डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं उसको वेट करने के लिए टेम्परेचर फाइंड आउट करने से पहले। इज द विक फास्टेंड अराउंड द बल्ब नेक, इज द मर्करी एन कंटिन्यूअल अनब्रोकन स्ट्रीम, इफ नॉट रेक्टिफाई बाय पुलिंग बैक विद अ मैग्नेट। तो ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, चेक करनी है इसके साथ। ठीक है, ये जो हमारा है हमारी ये जो गेज है स्लिंग साइक्रोमीटर है। अब ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर क्या है, ये इसकी शेप है ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर की, ये नीचे जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है ये आप समझ लें इसकी बेस है, ये बेस है और इसके ऊपर ये एक दूसरा एक एक व्हील टाइप है। ठीक है, ये दोनों आपस में फ्रीली घूमते हैं, इनकी हम मेजरमेंट्स एक दूसरे के साथ जो है वो चेक करते हैं मिलाते हैं। तो ये समझ लें कि आपके पास दो लेयर्स हैं, एक येलो लेयर है और एक व्हाइट लेयर है, और ये इजीली फ्रीली इधर उधर आपका ऐसे सर्कल में ये मूव कर सकता है, उंगली से आप इसको घुमाते हैं ऐसे ये मूव करेगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यू पॉइंट टू बी यूज टूगेदर विद सरफेस टेम्परेचर थर्मोमीटर एंड स्लिंग साइकोमीटर, यूज दिस फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग प्री ट्रीटमेंट एप्लीकेशन एंड ड्राइंग ऑफ द पेंट, रिकमेंडेड एवरी 6 आवर्स एंड वेन वेदर कंडीशन आर चेंजिंग। ये कह रहे हैं कि 6 घंटे के बाद आपने क्या करना है जी, टेम्परेचर चेक करना है एवरी 6 आवर्स। तो ये हर प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 6 घंटे है, 4 घंटे है या 8 घंटे है, ये वेरी करती हैं ये चीजें, तो इनको आपने देख लेना है आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या कह रही है, आपका जो मेथड स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, आपका जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है, तो आपने उसको फुलफिल करना है। एज पर सऊदी अरामको, इफ अगर आपने की है ब्लास्टिंग की हुई है तो विद इन 4 आवर्स आपने क्या करना है, उसको पेंट अप्लाई करना है। अगर 4 आवर से ज्यादा है तो आपने उसको दोबारा स्वीप करना है, 4 घंटे तक आप नहीं रख सकते उसको। तो 8 घंटे की हमारी शिफ्ट है, एवरी 8 आवर्स जो है वो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं। तो ये वेरी करती हैं ये चीजें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या कंपनी टू कंपनी के वो कितना है। ठीक है, टेम्परेचर हमने कितनी शिफ्टों में हम काम कर रहे हैं, हर एक शिफ्ट में आपने लेना है, मॉर्निंग में लेना है, इवनिंग में लेना है, टेम्परेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर है ये देखें, ये जो आपके सामने डिवाइस है ये भी यूज की जाती है टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द स्टील टेम्परेचर। अदर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर आल्सो अवेलेबल, मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स, मैग्नेटिक भी यूज होते हैं। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। अब वेदर कंडीशंस में
क्या क्या चीजें हमने देखनी है, क्या क्या चीजें कंसंट्रेशन हमने करनी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम 90 डिग्री, एयर टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, स्टील टेम्परेचर 3 डिग्री अबव द ड्यू पॉइंट है, कैलकुलेटेड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशंस मिनिमम एप्लीकेशन टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टिपिकली। तो ये जो है मिनिमम टेम्परेचर जो है, अगर हम अरामको की बात करें तो वो कितना 10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें, क्या आपको पता होना चाहिए कि पेंट अप्लाई करने से मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ये चीजें मुझे कहाँ पे मिलेंगी। ये चीजें आपको डेटा शीट के अंदर मिलेंगी, आपको स्पेसिफिकेशंस के अंदर मिलेंगी। अब भाई जी, रॉयलिंग हाइग्रोमीटर, एस्पिरेटेड हाइग्रोमीटर, इज मर्करी इन कंटिन्यूस अनब्रोकन स्ट्रीम इफ नॉट रेक्टिफाइड। पीछे जो चेकलिस्ट है उसमें ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। ये एक दूसरी शेप का एक जो है आपको इधर दिखाया हुआ है, ये हैंडल है, यहाँ पे हाथ रखते हैं, हाथ रख के इसको घुमाते हैं, 32-40 पर सेकेंड आपने इसको ऐसे घुमाना है, और आपका जिस तरफ हवा चल रही हो इतना उसकी तरफ आप करके चलाएं इसको। ठीक है, ये वेक है, इसके अंदर पानी डाला जाता है, देखें उसमें कि भाई पानी है, क्लीन है नहीं है, टच कर रही है नहीं कर रही बल्ब को, सारी चीजें आपने इसको अच्छे से चेक करनी है इसको। अब ये उसको यूज करने का तरीका बता रहे हैं कि क्या करना है आपने, रोटेट एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर 30-40 सेकेंड्स। ठीक है, 30-40 सेकेंड्स आपने उसको जितना आप उसको घुमा सकते हैं राउंड में ऐसे है, आप उसको घुमाते जाएं। वेट बल्ब रीडिंग टेकन इमिडिएटली, इमिडिएटली घुमाने के बाद 30 से 40 सेकेंड्स के बाद आपने वेट बल्ब की रीडिंग लेनी है। फेस टूवर्ड्स एनी ब्रीज, ठीक है, जिधर से कोई हवा वगैरह चल रही उस तरफ करना है आपने। इफ ना अगर नहीं है तो आपने थोड़ा सा वॉक करना है और एक एयर का फ्लो बनाना है, जल्दी जल्दी उसको घुमाते हुए साथ थोड़ा चलना है। तो टेस्ट कंडक्टेड एज क्लोज टू द एरिया ऑफ पेंटिंग, जिधर आप पेंटिंग करने जा रहे हैं उस एरिया में, ये नहीं कि शॉप मेरी 3 किलोमीटर दूर हो और मैं यहाँ पे खड़ा होकर टेम्परेचर ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपने पेंट को अप्लाई करना है, जिस जगह पे आप एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं उसी जगह आपने जाके टेम्परेचर लेना है। दो कंसेक्टिव रीडिंग्स आपने लेनी है 0.20 सेंटीग्रेड का, उनका आपस में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, में उनके दरमियान होनी चाहिए। अभी ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ड्यू पॉइंट कैसे आएगा, ड्राई बल्ब मेरे पास 15 आया, आपको मैंने कहा था इसकी दो लेयर्स हैं, एक ये आ गई है और दूसरा ये आ गया, दो इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ड्राई बल्ब 15 है और वेट बल्ब 10 है, इन दोनों को हम अलाइन करेंगे, मिलाएंगे इनको हम, 10 और 15 को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, एक रेड रीडिंग है एक ब्लैक है, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ड्यू पॉइंट जिधर आपस में ये कनेक्ट हो रहा है वो कितना आ गया, 5.5 आ गया, ये विंडो के अंदर इधर आके आपने मिलाना है इसको। जब आप इधर इसका ड्राई बल्ब और वेट बल्ब आप मिलाएंगे तो ये विंडो के अंदर जो रीडिंग आएगी वो आपने लेनी है, वो आपका ड्यू पॉइंट होगा। अभी टू डिटरमाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सेम इसी ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर से हमने ह्यूमिडिटी भी फाइंड आउट। अब देखें ड्राई बल्ब जो है 15 था, अभी ड्राई बल्ब हम दो दफा यूज कर रहे हैं, इधर ड्यू पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए भी हमें यूज हो रहा है और ह्यूमिडिटी के लिए भी। तो ड्राई बल्ब कितना है, 15 है, ये देखें ड्राई बल्ब 15, अभी ड्यू पॉइंट कितना आ गया, 5.5, इन दोनों को आपस में मिलाया, नीचे इधर जितनी ये एरो के नीचे जो रीडिंग आएगी वो आपने ले लेनी है, पिक कर लेनी है जो भी आएगी, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो। अभी मयरिंग स्टील टेम्परेचर क्या है, ये लिम्पेट गेज है और ये थर्मोकोपल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्ट है, इमीडिएट रीडिंग हमें दे देता है ये, हमें ये कॉन्टेक्ट पॉइंट इसका ऐसे यूज करते हैं तो यहाँ हमें रीडिंग मिल जाती है। ये जो है लिम्पेट गेज है, या इसको सरफेस टेम्परेचर गेज भी कहते हैं, डायरेक्ट आप जिधर ब्लास्टेड सरफेस है वहां जाके इसको चिपका देते हैं और 15 मिनट तक आप वेट करते हैं, 15 मिनट के बाद एग्जैक्ट जो रीडिंग आती है वो आपने नोट कर लेनी है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, रीडिंग आपकी उस तरह एक्यूरेट नहीं है, तो डिजिटल हम यूज करते हैं। ये देखें इस तरह का शेप के जो है वो आपको मिलेंगे, जिस तरह आजकल बॉडी टेम्परेचर भी फाइंड आउट इससे करते हैं, सेम इस तरह के ये भी हैं, और ये इंफ्रारेड्स के
तरह के होंगे, आपको डायरेक्ट लाइट आप सरफेस के ऊपर फेंकते हैं तो मिलेगा। ये जो है 15 मिनट्स कांटेक्ट टेम्परेचर बॉडी के साथ हम उसको रखते हैं, हमें रीडिंग देता है। ये एल्कोमीटर का मोस्टली ये वाला जो है साइट पे यूज होता है। इसके अंदर बाज दफा इंटरव्यू के अंदर आपसे PID डायरेक्ट पूछ लेते हैं, भाई कभी टेम्परेचर फाइंड आउट किया है? जी सर किया है। पूछेगा क्या क्या सीक्वेंस किया है उसका भाई गेज का? वो पूछेंगे आपसे, मतलब पहले क्या है RH है, फिर क्या है TS है, फिर क्या है TA, फिर TDA। तो ये चीजें वो इस तरह सीक्वेंस पूछ लेते हैं आपसे। तो आपने इसको अगर यूज किया होगा तो आप उसको बता सकते हैं भाई RH TS स्टील टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर, ठीक है, आपका जो ड्यू पॉइंट है, डेल्टा है, सब चीजें आपने उसको एक्सप्लेन करके बतानी है। इस शेप में भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव डिटेक्टर है, ये भी देखें एम्बियंट है, स्टील है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपने देख लेनी है, और ये आपको प्रैक्टिकली आपको साइड में जब आप कोर्स कर रहे होंगे उसमें भी ये चीजें आपको मे बी कि वहां पे मिलें देखने के लिए, लेकिन आपकी नजर में होनी चाहिए कि उनकी शेप कैसी होगी, कैसे हमने इनको यूज करना है। वर्क मेथड स्टेटमेंट, और ये हमारा आज का टॉपिक था पूरा। टेम्परेचर हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर हमने कैसे यूज करना है, टेम्परेचर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये सारी चीजें जो है आज हमने इसमें देखी हैं। इन सब चीजों को आपने जो है वो अच्छे से करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। कुछ अगर क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझसे पूछना है, डिस्कस करना है आपने। और फिर ये मैं यही कहूंगा कि ये जो चैनल है राशिद बुलावर पॉडकास्ट, इसको आपने शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ भी, और वो लोग जो फ्रेश हमारे DAE के स्टूडेंट्स हैं, सिविल में है, मैकेनिकल में है, उनके साथ आप लोगों ने इसको शेयर करना है। या वो हमारे दोस्त, हमारे वो भाई जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन में आना चाहते हैं, उनके साथ आप डिस्कस करें, उनके साथ आप इसको शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका कमेंट है, तो आप मुझे ईमेल करें info@fatimatvti.org.pk पर, और मैं आपके कमेंट्स और आपकी ईमेल्स का मुझे इंतजार रहेगा। आप जब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसका मतलब ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने कुछ चीज पढ़ी है, कुछ रिवाइज की है। तो जब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप पता नहीं करेंगे किसी चीज का, कोई कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि फीडबैक मुझे मिल रहा है नहीं, ठीक है। तो मुझे आपने फीडबैक देना है कि कितना आपने इस चीज से कुछ सीखा है, कितना आपने इस चीज से कुछ नॉलेज जो है वो गेन किया है, और कितना आपने आगे इसको स्प्रेड किया है, कितना आपने किसी के साथ शेयर किया है इसको। वो चीजें आपने मुझे बतानी है, मेरे साथ डिस्कस करनी है। आई होप सो कि ये आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। फी अमान अल्लाह।